Okay, so we're starting the topic here, potential, electric potential. Last day we have read the burden. Now come to the class 10. What we have read in class 10, V is equals to W upon Q. The burden to carry a unit positive charge is called potential. From where? कहाँ से वर्डन इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज दिस इज ए सोर्स चार्ज क्यू एस. नाउ द सोर्स चार्ज विल एमिटिंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड. ये सोर्स चार्ज अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करेगा और बाहर एक चार्ज है टेस्ट चार्ज क्यू टी. आपके पास ये चार्ज है इंफिनिटी. Infinity. You all know at infinity electric field equals to zero. At infinity electric field equals to zero, as well as the energy level equals to zero. Okay. तब मैंने बहुत सारी चीजें बताई potential के लिए. बहुत पढ़ लिया है अपने potential के लिए. Now अगर आप इस charge को particular किसी point पे लेके आना चाहते हैं, suppose this may be this point, point A, B A. अगर या तो आप इसको यहां से यहां लेके आना चाह रहे हैं वी वी, या यहां से यहां लेके आना चाह रहे हैं बी सी. आप जान रहे हैं कि इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में आपको थोड़ा कम काम करना पड़ेगा. अगर आप यहां से इसको यहां तक लेके आ रहे हैं तो और काम करना पड़ेगा. आप इसको यहां से लेके यहां तक लेके आ रहे हैं तो आपको और ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके क्लोज पहुंच रहे हैं. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं क्योंकि इसको रिपेल करेगा. पॉजिटिव चार्ज है. अगर जहां तक आप ला रहे हैं ये अलग अलग वर्क करना पड़ेगा, ये उस पॉइंट का पोटेंशियल हुआ. एक बात तो ये क्लियर हो गई कि हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होता है जब तक कि यूनिफॉर्म फील्ड ना कहा जाए या इक्विपोटेंशियल सरफेस ना कहा जाए. हाँ, ये बात जरूर है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा. यहां पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि इसकी यहां से डिस्टेंस सेम है तो इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल एक्सर्ट होगा उस पॉइंट पर भी उतना एक्सर्ट होगा. यस, भूल गया, याद है ना आपको? मैंने ये आपसे कहा था कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा. दैट्स व्हाई दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. थोड़ा सा याद दिलाता हूं, VA सबसे कम होगा, उससे ज्यादा VB, उससे ज्यादा BC. BC इज द हाईएस्ट. मतलब एक बात तो क्लियर होगी कि डिफरेंट पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट. क्लियर? वर्क डन करना पड़ेगा. अभी हमने वर्क डन की बात की है. अगर क्यू चार्ज को लाने में या क्यू टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ता है डब्ल्यू. क्यू चार्ज को लाने में किसी पॉइंट तक वर्क डन करना पड़ता है डब्ल्यू. देन यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा डब्ल्यू अपॉन क्यू. यस ऑर नो? इसको क्यू ले लो. क्यू चार्ज को लाने में डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ता है तो यूनिट चार्ज को लाने में डब्ल्यू अपॉन क्यू. दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. किस पॉइंट? जहां पर आप लेके आए हैं, जहां तक आप लेकर के आए हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल डब्ल्यू अपॉन क्यू. वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज in from infinity to a particular point is called potential at that point. अब आपने कहा नहीं सर, हम तो A से लेके B में जाएंगे, हमें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है. जाहिर सी बात है, आप लो पोटेंशियल फील्ड से आप हायर पोटेंशियल फील्ड की तरफ जा रहे हैं, तब फिर पोटेंशियल नहीं है, तब रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस. क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस. अगर आप यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहे हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस काउंट होगा. दो बातें हैं, या तो इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक आइए. अगर आप इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक आते हैं तो आपका डायरेक्टली उस पॉइंट का पोटेंशियल आप कैलकुलेट करते हैं, उस पॉइंट का जहां पर आप आए हो वहां का पोटेंशियल कैलकुलेट. बट यदि आप यहां से यहां आ रहे हैं, आप ए से लेके बी जा रहे हैं, तो आपका कैलकुलेट होगा वी ए बी. वी ए बी वर्क डन पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज डेल्टा वी. डेल्टा V.
VAB. Okay, VAB means final potential minus initial potential, change in potential, change in voltage. VB minus VA. Very simple. आपको यदि यहाँ से यहाँ का potential difference find करना है, तो आप एक क्या assume कर सकते हो? इस point charge को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया work done minus इस point charge को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया work done. Yes or no? वो जो difference होगा, वही तो इन दोनों के बीच का potential difference होगा. Say yes or no? So that is equals to W upon Q. किस point पर W? B point पर. अब मैं W upon Q सेम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इस पॉइंट का वर्क डन अलग होगा माइनस WA अपॉन क्या Q क्योंकि चार्ज सेम है सो दैट यू कैन राइट WB माइनस WA अपॉन कितना Q दैट इज डेल्टा W अपॉन Q यस और नो दैट इज डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू चेंज इन वर्क अपॉन चार्ज आया बेटा समझ में कुछ ज्यादा नहीं था केवल डेल्टा लगा दिया यहां तो यहां लग गया डेल्टा सो डेल्टा V चेंज इन वोल्टेज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन अपॉन कितना चार्ज सी एस और नो चेंज इन वर्क डन अपॉन चार्ज और आइए आगे dV इज इक्वल्स टू dW अपॉन कितना Q आ रहा समझ में dV इज इक्वल्स टू डेल्टा और d dV इज इक्वल्स टू dW अपॉन Q Clear? Now, dW is equals to Q into dV. dW is equals to Q into dV. So, work done dW is equals to integration of Q dot dV. Say yes or no? dW is equals to Q dot dV. Yes or no? So, work done is equals to complete integration of Q dot dV. I hope it is clear to you all. Yes. Ye baat hai. ओके ये एक आइडिया जनरेट हो गया हमारे पास अब एक और बात करते हैं सर इक्विपोटेंशियल सरफेस का वर्क डन कितना होता है जीरो बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा जैसे आप यहां पे बैठे हो तो यहां पे वोल्टेज कितना है VV यहां पे भी आओगे तो वोल्टेज कितना होगा VV सेम टू सेम क्योंकि सरफेस तो एक ही है Say yes or no? Yes. Surface तो एक ही है. So VB अगर आप इस surface की बात करेंगे, ये इस equipotential surface की बात करेंगे, अगर आप इस equipotential surface की बात करेंगे, so change in voltage यहाँ पर कितना है? Zero. Change in voltage equal to zero. अभी पढ़ा मैंने कि work done is equals to होता है Q into dV. ये पढ़ा मैंने. अभी एक जगह और लिखा था. ये है. डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू ये देखिए फिर से लिख रहा हूं नहीं अभी लिखा तो नहीं है ये देखिए dV इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू dV यस और नो लिख देता हूं सिंस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू dV और dV कितना है जीरो डेल्टा W is equals to Q into delta V और जैसा कि हम जानते हैं कि equipotential surface के लिए delta V change in potential कितना है बच्चों zero change in potential कितना है आया समझ में तो change in potential जब zero है तो अपने पास आएगा work done equals to zero आई बात समझ में मतलब कि equipotential surface में आप यदि किसी point को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराएंगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा आगे फिर दिक्कत इसमें कुछ पूछना है तो बताइए ये एक स्टार्ट मैंने दिया आप कल की क्लास में एब्सेंट थे कल की क्लास में मैंने एक बार और बताई थी जो पहले भी बताई थी कि E is equals to minus dV by dx ये बताई थी इसी को मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर और इसी को बोला था E is equals to minus dV by dl का इस पर मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था है ना इन चीजों पर कल मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था और कल केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई है कल मैंने इन पर डिस्कशन किया अभी मैं वो डिस्कशन नहीं करूंगा ठीक है आप पुराने लेक्चर्स लेकर के देखिएगा उनको समझिएगा
mean? यहां से लेकर के यहां तक लेके जाएंगे कांस्टेंट नहीं होगा, जीरो होगा, पोटेंशियल सेम है। अभी उस दिन आपने हां किया था जब मैंने बोला था दो वाटर के पॉट जोड़ दिए जाएं जिनकी हाइट सेम हो, क्या पानी टस से मस होगा? नहीं होगा। चार्ज भी अगर एक ही सरफेस पर है, आप यहां से लेके यहां जाना चाहते हैं, पोटेंशियल सेम है, चार्ज क्या यहां से यहां जाने की इच्छा दिखाएगा? नहीं नहीं दिखाएगा। तो वर्क कितना हुआ? जीरो। आया समझ में? इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन जीरो होता है। क्लियर? अब देखते हैं स्लाइड में क्या है। स्लाइड में जाने के पहले हम कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे आपसे। ये देखिए प्रैक्टिकल बातें करते हैं। V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल और एनर्जी में कितना फर्क है? केवल एक चार्ज का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। यूनिट मास के द्वारा फील की जाने वाली जो एनर्जी होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यूनिट चार्ज के थ्रू जो एनर्जी फील होती है, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क, जो यूनिट चार्ज के थ्रू एनर्जी फील होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब केवल यूनिट का काम करना बच्चों, मतलब कहीं भी फील्ड पर रखा हुआ कोई भी चार्ज अगर वो यूनिट चार्ज है, सुन रहे हो मेरी बात, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ चार्ज, बेटा यहाँ भी चार्ज की बात करते हो, वहां पे मास की बात करते हो, वहां क्या करते थे? ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ कोई भी यूनिट मास जितनी पोटेंशियल एनर्जी फील करता है, जितनी एनर्जी फील करता है उसको उस पॉइंट पर बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बस यूनिट का कहूंगा है केवल। अगर आप वहां पे एम मास ले लोगे तो एनर्जी आ जाएगी, समझ में आया? एम मास ले लोगे तो क्या जाएगा? एनर्जी आ जाएगी। और यूनिट मास ले लोगे तो क्या जाएगा? पोटेंशियल। कल मैंने खूब इस बात पे जोर दिया है क्योंकि भूलते हैं ना बच्चे, याद नहीं है तो लीजिए, एनर्जी इज इक्वल्स टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर, आई होप आपको याद आ गया होगा। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यू इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर, यहां पे स्मॉल एम को मान ले लेते हैं, याद आया? एम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना? तो पर यूनिट मास के लिए आ जाएगा क्योंकि मास का पर यूनिट किया तो एम से एम क्या हो गया? कैंसिल। तो इसी तरीके से वन कूलम के, नहीं, क्यू कूलम के थ्रू फील के लिए बात है तो वो है एनर्जी। अगर यहाँ पे क्यू कूलम रखोगे, अगर क्यू को डिवाइड में ले गए तो इसका मतलब क्या हो गया? वन कूलम। तो वन कूलम के थ्रू जो एनर्जी फील होती है उसको बोलते हैं उस पॉइंट पर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उस पॉइंट पर? Is that clear? अच्छे से आ गया समझ में ना? ये मैंने बहुत अलग से समझाया है आपको, जिससे आपके अंदर फील आ जाए इसका, ठीक है ना? चलिए अब बताता हूं पोटेंशियल का रियल मीनिंग। आप भूखे रहते हैं तो अपनी हालत देखिए, आप यदि भूखे हैं तो आपकी हालत देखिए, ऐसे हो जाती है कि आप दुनिया के सबसे गरीब आदमी हैं जब आप भूखे रहते हैं। कितना टैलेंटेड है आपके अंदर, कुछ भी है, आप भूखे रहे तो सब खत्म। जब आपको भूख लगती है तो बस लगता है, और जब आपको भूख लगी और आपने दम से खाना खा लिया अच्छे से, और फिर खाना खाने के बाद के भाव देखो, अच्छे खाना खा लिए तो फिर तो हमसे बड़ा कोई नहीं खाना खाने के बाद। ऐसे ही चार्ज की अवस्था होती है। ये एक कंडक्टर है, ये चार्जलेस है, इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज नहीं है तो इसका पोटेंशियल जीरो, इसकी वजनदारी कितनी है? जीरो। इसका इन्फ्लुएंस समाज में इसका कोई सम्मान नहीं है, इसको कोई नहीं पूछता है, हर कोई भगा देता है, हाँ कोई क्रेडिट नहीं है तुम्हारी। अब इसने क्या हुआ, इस कंडक्टर को हमने चार्ज खिलाना शुरू किया,
इसके ऊपर पहला चार्ज है, इसकी वजनदारी बढ़ना शुरू हो गई, इसका पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो गया। दूसरा चार्ज आया, पोटेंशियल और बढ़ा, रुतबा और बढ़ा। जितना चार्ज आता जाएगा इसका रुतबा उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा और हम कहेंगे इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। सो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी वजनदारी बढ़ती है, वैसे कंडक्टर अगर चार्ज खाता है तो उसकी वजनदारी बढ़ती है। आई बात समझ में? कंडक्टर का दम बढ़ता है, कंडक्टर की पर यूनिट चार्ज की एनर्जी बढ़ती है। बार बार मैं पर यूनिट चार्ज बोल रहा हूँ क्योंकि वो पर यूनिट चार्ज की एनर्जी है। एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हां, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक क्वांटिटी है जो बताती है कि फ्लो ऑफ चार्ज होगा एक बॉडी से अनदर बॉडी की तरफ। अगर नेगेटिव नेगेटिव ने किसी ने टान नहीं अड़ाई है तो हमेशा कोई भी दुनिया की बॉडी हो, मास हमेशा कहां ट्रांसफर होता है? हायर टू लोअर। मैं इस पेन को छोड़ूंगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसे ही चार्ज भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक चार्ज बॉडी है, कैसी चार्ज बॉडी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। कैसी चार्ज बॉडी है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को मैंने एक अनचार्ज बॉडी के साथ जोड़ दिया, इतनी ही बड़ी अनचार्ज बॉडी, जगह नहीं इसलिए मैं उतनी बड़ी नहीं बना पा रहा हूं, इतनी ही बड़ी अनचार्ज बॉडी के साथ मैंने जोड़ दिया। देखना चार्ज कहां ट्रांसफर होगा। ये हाईली चार्ज है, इसका पोटेंशियल है वी हाई, इसका पोटेंशियल है वी लो। समझ लो बच्चों, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। ये कितने मान लो इस पे चार्ज है 100 प्लस। कितना चार्ज है? 100 प्लस। अब ये चाहेगा 100 प्लस को जैसे मैंने बराबर के साथ कनेक्ट किया, इन दोनों का ऐसा हो जाएगा कि ये चाहेंगे मेरे पास भी आ जाए 50 प्लस और मेरे पास भी आ जाए 50 प्लस। समझ रहे हो मेरी बात? 50 प्लस मेरे पास भी आ जाए, 50 प्लस मेरे पास भी आ जाए। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसमें जाने की कोशिश करेगा। बट आपको पता है पॉजिटिव चार्ज नाम की कोई चीज होती नहीं जो जा सके। जाने वाला आने वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इस पे 50 लेने के लिए अगर ये न्यूट्रल से 50 प्लस होना चाहता है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन फेंकेगा? 50 इलेक्ट्रॉन। समझ लो बच्चों, ये 50 इलेक्ट्रॉन फेंकेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट होगा तो आएगा 1 प्लस फिर 2 प्लस। तो ऐसे इस पे 100 थे प्लस के, तो 100 पे इस पे 50 माइनस वाले निकल के इस पे अटैक करेंगे 50 माइनस के, तो ये कितना बन जाएगा? 50 प्लस बचेगा। आ रहा समझ में? मुझे आ रहा समझ में? 100 इस बड़ा, इस पे कितने थे 100, इस पे कितने थे 0। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, है ना? दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। एक बात याद रखना, दोनों के सामने साइज और सब कुछ इक्वल लिया है, समझ गया ना? दोनों का इक्वल इक्वल लिया। हर बार मत कह देना अगर यहाँ पे छोटा होता तो इफेक्ट चेंज हो जाता, हो सकता है वो 25 में ही सेटिस्फाई हो जाता कि 13.75 मेरे 25 के बराबर है। वही पानी वाला फंडा, बड़ा वाला टंकी को आप इतनी से पाइप से भी बैलेंस करा सकते हो, पानी नहीं भागेगा क्योंकि आपने लेवल तो सेम कर दिया ना। पानी को लेवल से मतलब है, पाइप से मतलब है, समझ में आया? तो यहाँ पे इसके पास 100 थे, अब ये 100 है तो इसको कितना प्लस देना चाहेगा? 50 प्लस। बोलो भाई ना, अब ये 50 प्लस देना चाहेगा मतलब इसके, अब ये तो 50 100 प्लस पे है, इस पे 50 प्लस का मतलब ये पॉजिटिव हो जाए न्यूट्रल से। न्यूट्रल से पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। ये सब लोग, न्यूट्रल से पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इसको 50 प्लस तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे? अब जब इसने 50 प्लस इलेक्ट्रॉन छोड़े तो इसने 50 खाए, तो इसके ऊपर तो आ गया 50 प्लस और इसके ऊपर आ गया 50 प्लस। क्यों? पहले था 100 प्लस और फिर उसके 50 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब 50 माइनस भिड़ गए तो बचे कितने? 50 प्लस 50 प्लस। आया समझ में? दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। क्या समझ में आया? चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। अगर आप चार्ज की टेंडेंसी की बात करें, मगर इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला था कि नेगेटिव ने टांग नहीं अड़ाई तो, मगर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर देखिए, इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू
हायर पोटेंशियल। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ, इस तरफ, तो करंट कहां जाएगी? इस तरफ। क्यों पढ़ा है 10th क्लास में? करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलती है, यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ और इस तरफ जाएंगे। तो लिख लीजिए, करंट इज ऑलवेज गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर टू हायर। अब देखो उसने पूछना क्या है, खुद से दिमाग लगाओ। करंट कहां चलेगी? हायर टू लोअर। और इलेक्ट्रॉन कहां चलेगी? लोअर टू हायर। नोट करिए, करंट इज गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। ओके, सो ये क्लियर हुई बात। चलिए क्या लिखा था इस बात में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस वन बॉडी टू द अनदर। अब समझ में आया सर क्या कह रहे थे आप? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्वांटिटी है जो बताती है एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी में जाएगा और किससे किस में जाएगा। आई होप अब क्लियर हुआ होगा कि भैया किससे किस में जाएगा। सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज ट्रांसफर होता है, मगर क्या है सर, वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, इसलिए उसका काम सारे उल्टे चलते हैं, वो लोअर टू हायर चलेगा। मतलब डिसाइड तो हो गया ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से चार्ज का ट्रांसफर डिफाइन होता है। बेटा आ रहा समझ में अच्छे से? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। हाँ अभी तो मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिफिकेशन, कितना इलेक्ट्रीफाइड किया गया उस बॉडी को, यही तो बताया। ज्यादा वजनदारी प्रोपोर्शनल टू ज्यादा चार्ज, वी प्रोपोर्शनल टू क्यू। पोटेंशियल ही बताता है कि कितना इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। अगर आपने ज्यादा खिलाया होगा तो पोटेंशियल हायर होगा, और अगर आपने कम खिलाया होगा तो पोटेंशियल लोअर होगा। यस और नो? समझ गया ना? आ रहा समझ में? पोटेंशियल बताता है कि डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन की मात्रा कितनी ज्यादा है, कौन बताएगा? पोटेंशियल। या किसी बंदे का पोटेंशियल ज्यादा है मतलब उसको इलेक्ट्रीफाइड बहुत किया गया है। अब उसको हो सकता पढ़ाई के रूप में चार्ज दिया गया हो या खाने के रूप में चार्ज दिया गया हो, मगर किसी बंदे का पोटेंशियल ज्यादा है मतलब उसको वो क्वांटिटी जो उसका पोटेंशियल बढ़ा रही है वो ज्यादा दी गई है। अंडरस्टूड? यस। कुछ प्रॉब्लम? नहीं, किसने बोला? V is equals to W upon Q. A minute. V is equals to W upon Q. अच्छा, आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को लेकर के आप ये समझ रहे हैं कि V is inversely proportional to W upon Q. ठीक, अच्छी बात है। आइए एक और चीज दिखाते हैं जो कल हमने दिखाई थी। E is equals to dv by dr, yes, कहीं है ना? Yes. या E is equals to v upon r, normal way पर, हालांकि minus sign भी लगाया था, उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि हम direction, opposition, support की बात नहीं करेंगे, हम केवल magnitude की बात करेंगे। इस तरीके से v equals to E into r, ठीक है? So V equals to E into R 1 by 4 by epsilon naught into Q upon R square। ये derivation proof हुआ आपसे? Into कितना? R, R से R? V equals to 1 by 4 by epsilon naught into Q upon, अब बोलिए V proportional to Q, R distance है। देखिए दोनों quantities variable हैं, W और Q, आप रोक नहीं सकते हैं, आप रोक नहीं सकते हैं, ये दोनों वेरिएबल हैं, एक को कांस्टेंट नहीं कर सकते आप, ठीक ना? समझ रहे हैं आप? एक को कांस्टेंट यदि करेंगे
किसको कांस्टेंट करने की कोशिश हो रही है? अगर आप चार्ज को कांस्टेंट करने की कोशिश करेंगे तो v प्रोपोर्शनल टू w। भले यहां पे वो रिलेशनशिप नहीं मिल रही आपको, मैं बहुत डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा वो टॉपिक पे, टॉपिक के है तो अंदर ही मगर बहुत ज्यादा अंदर मेरे को परत दर परत घुसना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। ये बस कहूंगा कि वर्क और चार्ज दोनों ही यहां पे वेरिएबल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करिए, क्योंकि आप एक क्वांटिटी को ला रहे हैं। अब जैसे आपने कहा v इज प्रोपोर्शनल टू i, v इज प्रोपोर्शनल टू i, v इज इक्वल टू i r। सो यहां तो आपको प्रोपोर्शनलिटी दिख रही है, i इज इक्वल टू v अपॉन r, i इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, i इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगी। ये बात बिल्कुल सही है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगी, करंट बढ़ेगी तो भी वोल्टेज इंक्रीज होगा, और वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा वोल्टेज और करंट दोनों इंक्रीज हो गए तो क्या रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा? नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि R इक्वल्स टू V अपॉन I है। अगर वोल्टेज भी दो गुना हो गया, करंट भी दो गुना हो गई, तो ये दो से दो क्या हो गया? कैंसिल, वो V अपॉन I ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, ये रिलेशनशिप इस तरीके की यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इस तरीके की प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और मैं इस चीज के लिए ये कह सकता हूँ कि ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, तो मैंने ये फॉर्मूला जब क्रिएट किया था वहां पर 10th क्लास में, तो ये फॉर्मूला ऐसा क्रिएट नहीं किया था v प्रोपोर्शनल टू w लेकर के, ये एक जस्ट डेफिनेशन थी जिसको यूनिटरी रूल के बेस पर डेवलप किया गया था। ठीक है, तो इसको आप इससे रिलेट मत करिए, क्योंकि इस रिलेशन का कोई फंडामेंटल बेसिक नहीं है प्रोपोर्शनलिटी वाला, मगर ये जो है ये बेसिक है v प्रोपोर्शनल टू q। ठीक है ना, तो यहां जो मैंने बताया आपको इससे ये क्लियर हो रहा है, आपकी बात यहां से पोज हो रही है, यहां से मेरी बात का सपोर्ट हो रहा है। तो यदि आप फंडामेंटल्स की बात करेंगे, सो v इज प्रोपोर्शनल टू q। बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारे बच्चे जो सीखने वाले हैं उनका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो देखिए इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करती है कि इलेक्ट्रिफिकेशन कितना हुआ है। यस, electric potential at a point in the electric field is defined as the work done moving without any acceleration in a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force, okay, irrespective of the path followed। कल मैंने यहां पर potential का derivation करा दिया था, याद है आपको पूछा last में मैंने q0 का divide करवाया था। हाँ, ये derivation तो हमारा कल आ चुका था, work done is equals to minus of E dot dl, यहाँ पे F dot dl था, क्या था? F dot dl, क्योंकि force into displacement, अगर आप यहाँ पे E लिख रहे हो, E का मतलब आपने क्या कर दिया है? F upon Q, मतलब आपने पहले से ही unit charge कर दिया है। अगर आप यहाँ पे E लिख रहे हो, इसका मतलब आपको यहाँ W नहीं ले सकते हो, फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? V, क्या लेना पड़ेगा? V, क्योंकि unit charge के लिए क्या defined है? V। तो यहाँ पे F dot dl थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कल सॉल्व करने के बाद मैंने पूरा डेरिवेशन निकाला था और ये आया था डेरिवेशन, याद आया? तो ये आया था। अब फिर और अब देखिए, अब इन लोगों ने वो चीज करी है जो इनको पहले करना चाहिए था, यहाँ पे वर्क है, अब ठीक है। अब अगर आपने इसको Q0 से डिवाइड कर दिया, तो वर्क को आपने यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दिया, क्या कहना चाह रहा हूँ? Q0 पर काम कर रहे हैं W, तो यूनिट चार्ज पर काम करेंगे W अपॉन क्यों ना, अगर आ गई Q0 से डिवाइड कर दिया, Q0 से Q0 क्या हो गया? कैंसिल, बचा Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon RB minus 1 upon RA, 1 upon RB minus 1 upon RA। ठीक है, तो वर्क डन पॉइंट को A से लेके B तक जाने में किया गया काम, A से लेकर के B तक, तो ये क्या देगा हमको बताइए? आप जानना चाहूंगा ये चीज है क्या, व्हाट इज दिस, क्या देगा? कल मैंने खूब बताया आपको,
WAV upon Q0 है क्या? आज भी तो बताया आते ही आते V तक का potential, this is VAV, this is VA, V, V A से V, मतलब A से लेकर के B तक जाने में कितना potential हुआ है? Yes or no? A से लेकर के B तक जाने में कितना potential हुआ है? ये वो है, VAV है बेटा ये, ठीक है? यहाँ लिखा हो RV minus RA. अगर आप इसको break कर देंगे, तो देखिए, ये क्या आएगा? 1 by 4 by epsilon naught into Q upon RV minus 1 by 4 by epsilon naught into Q upon R. चला देखो इस फॉर्मूले को V equal to 1 by 4 by epsilon naught into Q upon R. तो इसको क्या लिख सकता हूँ? This is VB. This is what? VA. Yes or no? So VAB is equals to VB minus VA. VAB equals to VB minus VA. कल भी मैंने ये बात बताई थी. अब तो इसको आगे बढ़ाएंगे. इसको रख करता हूँ. ये कोई काम की चीज नहीं है. तो यस क्या कह रहे हैं? आप पॉइंट को लेके गए हैं A से लेके B में. A से लेके कहाँ गए हो? B. अब आपने कहा मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंशियल चाहिए. मुझे पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब नहीं. मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं. तुम अभी तक कहाँ से आ रहे थे? सर मैं A से लेके B तक आ रहा था. मैंने कहा एक काम करो तुम अब A से मार आओ. तुम डायरेक्टली इंफिनिटी से आओ. हाँ बताओ बेटा इंफिनिटी से तुम डायरेक्ट B पर आओगे तो तुमको क्या मिलेगा? सर मुझे VB मिलेगा क्योंकि मुझे डायरेक्टली B का पोटेंशियल मिलेगा. क्यों मिलेगा? सर वो लास्ट पॉइंट का जीरो होता है. इसी किसी से डिफरेंस जीरो करोगे तो वही का वही आएगा. देख लीजिए सर VB माइनस VB इक्वल टू कितना? VB. तो मैं डायरेक्टली VB मेरे को मिलेगा. मैंने कहा ठीक है पुट कर दो. क्या पुट कर दो? जहां पे A पॉइंट की डिस्टेंस थी RA वहां पे क्या पुट कर दो? इंफिनिटी. क्योंकि डिस्टेंस RA तक की कितनी होगी? इंफिनिटी. यस और नो? तो देखिए पुट किया हमने. W कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से B डिवाइडेड बाय Q0. थोड़ा सा नाटकबाजी हो रही है वजह के लिए. सीधे लिखिए ना सर पोटेंशियल B पर. पोटेंशियल B पर कहां से आ रहे हैं? इंफिनिटी से. कहां पर आ रहे हैं? B पर. किसको लेके आ रहे हैं? यूनिट चार्ज को. चार्ज को मत बोलो, यूनिट चार्ज को. तभी तो Q0 को डिवाइड किया है. समझ गया ना? यूनिट चार्ज को. सो तो कितना हो गया? चलिए पुट करते हैं. आर की जगह इंफिनिटी पुट करिए. 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू जीरो. सो फॉर्मूला q by 4 pi epsilon naught into 1 upon rb. q by 4 pi epsilon naught into 1 upon rb. अब इन लोगों ने कहा एक ही डिस्टेंस तो है, इस rb को सीधे r लिख लो ना. क्यों खराब कर रहे हो उसकी खूबसूरती? ठीक है फॉर्मूले की. सो लिख दिया सीधे 1 by 4 pi epsilon naught into q upon r. ये देखिए आया समझ में? एक बार फिर से मैं लिख देता हूं आपके लिए. q upon 4 pi epsilon naught था 1 upon RB minus 1 upon RA. आपने कहां से कहा? A से लेके B तक आ रहे थे. अब A हमने मान लिया बहुत दूर, मतलब infinity. Q upon 4 pi epsilon naught into 1 upon RB minus 1 upon infinity. तो 1 upon infinity की वैल्यू कितनी होती है? 0. So Q upon 4 pi epsilon naught into 1 upon RB minus 1 upon infinity. तो ये हो गया हमारे पास Q upon 4 by epsilon naught into 1 upon RB minus 0. So solve होकर के आया Q upon 4 by epsilon naught into 1 upon RB. Solve करेंगे 1 by 4 by epsilon naught into Q upon RB. RB अच्छा नहीं लिख रहा है. इन लोगों ने कहा एक काम करो, एक ही पॉइंट पर तो आ रहे हो. इंफिनिटी से सीधे R पॉइंट की डिस्टेंस मान लो और बता दो उस पॉइंट पर. तो इंफिनिटी से किसी डिस्टेंस R तक आने में किया गया वर्क डन किसको लेकर के? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के होता है पोटेंशियल. और वो होता है V is equals to 1 by 4 by epsilon naught into Q upon R. पहले भी डिराइव किया वो देखिए लॉजिकली यहाँ पे ऐसे डिराइव किया. आगे समझ रहे हो? ठीक है ना. F dot dl, F dot dl work equals to force into displacement. F dot dl, F dot dl, F था वहाँ पे तभी तो Q Q naught upon 4 by epsilon naught. कल इसका इंटीग्रेशन बताया था. तो ये हो गया पोटेंशियल. क्या समझ में आ रहा है? वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू Q. जितना ज्यादा चार्ज देंगे बॉडी को उस पे उतना ज्यादा वोल्टेज आएगा. आई बात समझ में ना? जितना ज्यादा चार्ज देंगे, जिस बच्चे को आप जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे वो बच्चा उतना ज्यादा उत्साहित होगा, उतना अच्छा परफॉर्म करेगा. ठीक है ये Q इज प्रोपोर्शनल टू V. ठीक है यस ये हो गया. सो V इज इक्वल्स टू W इंफिनिटी टू B तक लाने में किया गया काम डिवाइडेड बाय Q0. सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट.
वोल्ट कहां से, वो तो जानते ही हो सब लोग, पहले ही पढ़ लिया था क्लास 10 में। और इसका जो फार्मूला होता है v = w / q, एफिशिएंसी यूनिट यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम को ही वोल्ट दे दिया गया नाम, यस ऑर नो, जूल पर कूलम, ठीक है। और दूसरी यूनिट न्यूटन मीटर पर कूलम, सर ये कहां से आ गई, न्यूटन मीटर पर कूलम, देखिए न्यूटन मीटर पर कूलम, अगर आप उस यूनिट से सॉल्व करेंगे तो न्यूटन मीटर पर कूलम वहां से उस वाली यूनिट से आ जाएगी, न्यूटन मीटर पर कूलम यूनिट कहां से आएगी, देखिए इसको मैं बता देता हूं, न्यूटन मीटर पर कूलम, F न्यूटन मीटर पर कूलम, हां ठीक है, इतना मैं ध्यान लगा के दिमाग लगा रहा हूं, ये होगा क्या बेवजह इतना दिमाग लगा रहा हूं, इतना लगाना भी नहीं है। जूल को न्यूटन मीटर तो कहते हैं, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैं कहीं और चला गया, कहीं किससे तो नहीं आएगी वो ई वाली फार्मूला से, नहीं कुछ नहीं आया उसकी, उसी से आ रही सिंपल, जूल को क्या बोलते हैं न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर पर कूलम बेवजह पूछा दिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, अब पूछ लिया जाए भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जो बता देते हैं डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ा, v = w / q, चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं भाई साहब 1 वोल्ट कितना होता है, 1 वोल्ट कितना होता है डिफाइन करना है, तो v के मान होने के लिए कितना होना पड़ेगा, ये 1, ये भी कितना होना पड़ेगा 1, बनाते हैं 1 जूल और ये हो जाएगा कितना 1 कूलम, ठीक है ना। अगर किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज से इलेक्ट्रिफाइड करने के लिए कितना काम करना पड़ता है, 1 जूल, किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज खिलाने के लिए अगर 1 जूल काम करना पड़ता है तो उस बॉडी का पोटेंशियल 0 से बढ़के कितने वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट, कितने वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जो मैंने पढ़ाया उसके आधार पे, ये मैंने बताया 10th क्लास के बेसिस पर डेफिनेशन, शायद आपको याद होगी किसी को, कि किसी बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट करने के लिए अगर उसको 1 जूल काम किया जाए 1 कूलम चार्ज पर, तो ये भी 1 वोल्ट है, नहीं तो हमारा सीधा वाला फंडा, बोले चार्ज को कहां से लाना था, इंफिनिटी से, अगर 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से लाने में कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल, तो भी कितना होगा, 1 वोल्ट, उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा बेटा, 1 वोल्ट, जिस पॉइंट पर आप ले गया, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, बस 1 कूलम 1 जूल, आगे आंसर समझ में, नोट करिए बीच में कुछ नोट करना हो तो, कुछ प्रॉब्लम फिर आप पूछिए अपने शब्दों में, कुछ डाउट हो इसमें, पोटेंशियल इज वोल्ट, जूल पर कूलम, w / q से बनती है जूल पर कूलम, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट का ख्याल रखिएगा, पॉइंट को भूलिएगा नहीं, जिस पॉइंट पर वोल्टेज निकालना है 1 यूनिट चार्ज को उसी पॉइंट तक ही लेकर के आना है, ना आगे ले जाना है ना पीछे ले जाना है, ओके, सो इट इज द वर्क डन टू कैरी द 1 कूलम चार्ज पर्टिकुलर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, इज देयर एनी प्रॉब्लम, ओके नेक्स्ट स्लाइड, शुड आई मूव, यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वेल यू ऑल नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अभी अभी वैसे सब कुछ क्लियर कर दिया, vb - va, ओके इट इज एक्चुअली डेल्टा w / q, द डिफरेंस ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, द
the difference of work done per unit charge by V is equals to W upon Q thou. The work done to carry unit positive charge from infinity to that point. From infinity to that point. अब चार्ज तो वही है जो लेकर के आ रहे हो, चार्ज तो वही है जो लेकर के आ रहे हो, मगर अब इंफिनिटी से नहीं निकालना है। अब आपको यहां के ये प्लेस का निकालना है। ओके, द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes or no? बेटे चार्ज तो सेम है, तो डेल्टा लगेगा तो किस में लगेगा? वर्क डन में ना। बोर्ड की तरफ देखो, इधर चार्ज तो सेम है, चार्ज तो वही है जिसको लेकर के आ रहे हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर डेल्टा लगेगा तो किस में लगेगा? वर्क डन में। तो तुम्हारा डेल्टा तो हमारा डेल्टा, जब तुम्हारे अंदर चेंज हो रहा तो हमारे अंदर चेंज हो रहा है। ओके, सो डिफरेंस ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पहले भी मैंने क्रिएट करा दिया था यहाँ पे 1 by 4 by epsilon naught 1 upon RV minus 1 by 4 by epsilon naught 1 upon RA, ठीक है ना। अब आप इंफिनिटी से मत लाओ, अब आपका चार्ज ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ लेकर के आओ तो आपका क्या काउंट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप किसी चीज से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ओरिजिनल वही चीज आ जाती है। बोले तुम्हारे एक पॉकेट में कितने रुपीज थे? उन्हें कहा 100। बोले सर के पॉकेट में कितने रुपीज थे? बोले 0 रुपीज। डिफरेंस करो, 100 माइनस 0 इक्वल टू कितना? 100। ले इंफिनिटी से माइनस करोगे तो 0 वही आएगा, वही का वही। तो आपका एक्चुअल मेजरमेंट पता होगा, मतलब जब दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हो, तुम्हारे पॉकेट में 100 इसमें 50, तो 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। तो यहीं पे ये हो रहा है कि आप इंफिनिटी से मेजर नहीं कर रहे हो, आप पॉइंट वी है वही, तो वही वाला फार्मूला लगेगा q / 4 पे एप्सिलॉन नॉट 1 / r - 1 / r। लेट अस डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट सी टुवर्ड्स द बोर्ड ओनली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग without any acceleration by a unit positive charge from one point to the other point, from one point to the other point against the electrostatic force। हाँ ये देखो, बताया ना वर्क करना पड़ेगा। अरे भाग यहाँ से, इसको एक धक्का दे, फिर भी हम लेकर के आ रहे हैं। बता दे यहाँ प्लस चार्ज रखा हुआ है, ये लेवल है, इसको हम जबरदस्ती पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं। ये सब लोग तो ये इसके अगेंस्ट फील्ड लग रहा है, यहाँ हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ समझ गया ना। तो अगेंस्ट वर्क करने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंग करने में यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन करना पड़ता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क डन करना पड़ता है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे तो सब कुछ समझ में आ गया है, ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है आर बी माइनस आर ए, इसे मतलब केवल इस पॉइंट से है और इस पॉइंट से है। तो क्या आप किस पाथ को ट्रेवल करके आए उससे कोई मतलब है? नहीं। तो लास्ट में लाइन जोड़ दी है इरिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। याद आया कंजर्वेटिव फील्ड का मैंने पढ़ाया था, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड, पाथ से मतलब नहीं है। आप इतने परेशान होकर के देख रहे हैं, कल की क्लास वीक हुई है इसलिए थोड़ा सा आपको टेंशन हो रही है, ठीक ना, पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड चलिए देखते हैं। सो वर्क डन, अब यहां तक तो वर्क डन ठीक है, फिर से वही गलती आज तक सुधारी नहीं सर ने, f dot dl, ठीक ना, q q not upon 1 upon v r v minus 1 upon r a, q नीचे नीचे इसमें q 0 का डिवाइड करेंगे तो अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। सो ये देखिए वर्क डन अपॉन q not इक्वल्स टू q q upon 4 pi epsilon not 1 upon r v minus 1 upon r a, और ये हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon not, वो देखिए ऊपर कर दिया था मैंने, शायद घटा दिया, याद आया इसका माइनस इसका 1 by 4 pi epsilon not 1 upon r v minus 1 upon r a, ये क्या है बेटा vb, ये क्या है va, so vab, what is this, this is vab, vab equals to vb minus va, it's clear to you all, so va लिख दिया मैंने, va vb ये लिख दिया, इसको अच्छे से मिटा रहा हूं, इसको देखिए vb minus va is equals to potential difference is equals to work done from a to b divided by q naught। ओके क्लियर।
Now, next some important thing. Electric potential and potential differences are the scalar quantities. बेटा potential difference और electric potential में ज़्यादा कोई difference नहीं है, बस electric potential की आप बात करते हो तो आपका difference हो जाता है infinity. मगर आप potential difference की बात करते हो तो आपके पास भी proper difference रहता है. समझ में आया? Electric potential and potential difference are the scalar quantity. समझ में आ गया sir? Electric potential at infinity is बिल्कुल सही. तीसरा, electric potential near the isolated positive charge q greater than 0 is positive and near the isolated negative charge is negative. Very important. Isolated, अगर positive charge है तो इसके पास electric potential आप निकालोगे तो उसका भी nature क्या होगा? Positive. अरे सर क्या बता रहे हो फालतू बात. सर आपने ये तो formula बताया 1 by 4 पे epsilon naught into q upon r. तो जब यहाँ पे प्लस चार्ज होगा तो प्लस रखेंगे और माइनस होगा तो माइनस रखेंगे. तो प्लस का प्लस आएगा, माइनस का माइनस आएगा, है ना. और रही बात आप हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप वो जो इंफिनिटी से चार्ज लेकर के आए हो तो नहीं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता सर, है ना, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है. जो भी पोटेंशियल निकलता है वो सोर्स चार्ज का निकलता है. जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो किसका निकलता है? सोर्स चार्ज का. क्योंकि यहां से आने वाले को तो हम पहले से यूनिट मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? यूनिट. तो उसका इंपैक्ट तो होगा नहीं. तो इसलिए यहां पे सर जो भी आप इफेक्ट दिखाए हो ना वो इसका है, सोर्स का, ठीक ना. दोबारा पूछ लेना. तो यहां पे ये जो चार्ज आएगा वो इसका इंपैक्ट होगा. 1 by 4 by epsilon naught into q upon r electric potential, 1 by 4 by epsilon naught into q upon r square electric field. याद है? भूलिए नहीं, पढ़ते रहिए तो डेली फिजिक्स पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर द आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड नियर द आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव. क्लियर. सीजीएस यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टैट वोल्ट. स्टैट वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट स्टैट वोल्ट. कहां से आई सर? बहुत इजी है भाई, पढ़ा हमने. पोटेंशियल इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सीजीएस यूनिट बनाना है, ऐसा यूनिट में तो वोल्ट बोलते हैं सर. सीजीएस यूनिट में सबके सब सीजीएस होने चाहिए. हाँ मालूम है. वर्क डन की यूनिट क्या होती है सीजीएस में? अर्ग. क्या होती है? अर्ग. और इसमें क्या होती है? स्टैट कूलम. क्या होती है? स्टैट कूलम. तो आंसर आएगा 1 अर्ग पर स्टैट कूलम. 1 अर्ग पर स्टैट कूलम. तो सीजीएस यूनिट्स की यदि पूछी जाएगी तो ये. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज बाय डेरिवेशन 1 by 4 by epsilon naught into q upon r square. अभी तो लॉजिकल एनालिसिस किया, अब जो इफेक्टिव मेथड है उससे हम डिराइव करने जा रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. ओके, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन था वैसे ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज. सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल डेवलप होगा वो निकालने जा रहे हैं. चलिए यहां पे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ई है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू का रेडिएट हो रहा है, यस और नो? करना क्या है, मन में थीम क्या है? थीम ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के किसी पॉइंट तक लेकर के आना है. यहां पर वो पॉइंट होगा मान लीजिए आर या एक्स डिस्टेंस पर, बाद में दिखा लेंगे. क्या करना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के किसी पॉइंट तक लेकर के आना है. हमने कहा हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव को लेकर नहीं आएंगे, हम किसको लेकर के आएंगे? क्यू जीरो को. किसको लेकर के आएंगे? क्यू जीरो को. लास्ट में क्या करना पड़ेगा? क्यू जीरो को डिवाइड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? एक और रास्ता है, क्यू जीरो की वैल्यू 1 मान सकते हो. जो आप लेकर के आए हो लास्ट में उसकी वैल्यू क्या प्लेस कर दो? 1. यस और नो? जैसे फोर्स इक्वल टू 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू 1 क्यू 2 अपॉन आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे निकलता है, तो जो आप क्यू 2 का डिवाइड करते हो पर यूनिट करके उसको क्यू 2 को सीधे 1 रख के देखो, 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू 1 इनटू 1 अपॉन आर स्क्वायर. आया तो वही, या तो Q2 को 1 ले लो. तो एक काम दो काम करते हैं, हम लेकर के बड़े वाले चार्ज को लेके आते हैं
अब बाद में या तो q0 को 1 रख देंगे या q0 पर डिवाइड कर देंगे। तो हालात देखते हैं अभी के, हालात ये है कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में किसी पॉइंट पर अगर q0 रखा हुआ है तो वो इसको धक्का मार रहा है और लगने वाले फोर्स का नाम होता है f equal to qe, यानी q not e, जो इसको धकेल रहा है इंफिनिटी की तरफ। मतलब फोर्स का मेजरमेंट तो हो गया, फोर्स की कैलकुलेशन तो हो गई कि f equal to कितना लग रहा है, q not e कितना लग रहा है, q not e। मान लिया ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक x है, क्या है ये x। चलिए एक पॉइंट p है जहां पर चार्ज रखा हुआ है और एक पॉइंट q है, देखते हैं, एक पॉइंट q है और एक तीसरा पॉइंट b है, समझ गए सर, इतने सारे पॉइंट दे दिए यार, पोटेंशियल फाइंड किस पर करना है, जवाब है पोटेंशियल फाइंड करना है v पर। ये सर से इतने सारे पॉइंट क्यों लिए, कैलकुलेशन के लिए, ये सारे पॉइंट हमने इतने सारे क्यों लिए, कैलकुलेशन के लिए। धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा क्या कैलकुलेशन है। ये देखिए यहां से लेके r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है b जिस पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है जिसका नाम होगा vv, ऐसा हो। और आपको पता है कि जो vv का रिजल्ट आएगा सर, ये तो पता है कि 1/4πε0 q / r आएगा, वही तो लेकर के आना है। अब कैसे लेकर के आते हैं, देखिए आइए, हमें यहां से लेकर के इसको यहां तक पहुंचाना है, बोलिए हां या ना, चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के कहां तक पहुंचाना है, v तक पहुंचाना है, इंफिनिटी से लेकर के v तक। जरा देखते हैं छोटा सा वर्क डन करा करके, तभी तो इतना बड़ा वर्क डन करा पाएंगे, जब छोटा सा वर्क डन पता होगा कहां से यहां से लेकर के आना है यहां तक। हल्का सा जब हम इसको सरकाते हैं p से लेकर के q तक खिसकाते हैं और देखते हैं क्या मिजाज है, तो p से लेकर के q तक खिसकाने में कितनी डिस्प्लेसमेंट थी, dx। तो जब छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी तो छोटा सा होगा ना, dw कितना होगा, फोर्स लग रहा है आगे, खिसका रहे हैं पीछे, फोर्स लग रहा है आगे qe और खिसका रहे हैं पीछे, फोर्स और इसके बीच का एंगल कितनी डिग्री बच्चों, 180 डिग्री, नेगेटिव पर, क्या होगा नेगेटिव पर। देखते हैं, लेट q0 बी द टेस्ट चार्ज प्लेस एट अ पॉइंट p एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज q, सोर्स चार्ज q, यस और नो, then the force equal to F equal to Q0E radially outward tends to accelerate the test charge, ये इसको accelerate करने की कोशिश करेगा, भागाने की कोशिश करेगा। To prevent this acceleration, equal and opposite charge minus Q0E, ये देखिए इसके प्रभाव को निरस्त करने वाला, cancel करने वाला हमने force लगाया जिसका नाम है F equals to minus Q0E। बेटा clear है कि Q0E इधर लग रहा है तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, minus Q0E, और उस force से इसको खसकाना पड़ेगा, yes or no, minus Q0E applied on the test charge, work done, work done to move Q0 from P to Q through distance dx against Q0E। तो यहां से लेकर के इसको यहां तक खिसकाने में किया गया काम, समझ गया ना, equals to work equals to force into displacement, work equals to force into displacement, देखिए, so work equals to force into displacement, dw is equals to f dot dx, बेटा clear, चलिए, f कितना लग रहा है, उस तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है, q not e, अच्छा इसको हम solve कर देते हैं पहले, mod f mod dx cos 180, पढ़े होगे ना बच्चों, f dot x cos theta, पढ़े हो ना, work equals to force into displacement cos theta, f कितना लग रहा है, q not e, dx कितना है, dx cos 180 की वैल्यू -1, सॉल्व करने पर आ गया minus q not e into, ये कितना है dw, ये कितना आ गया minus q not e into dx, सॉल्व करते हैं इसको, dw equal to minus q not e कितना होता है 1/4πε0 into q upon x square, कहां पर फील करना था, यहां पर e, यहीं पर का तो e लेना पड़ेगा, r तो यहां का होगा, तो x square यहां तक का e लिया हमने, तो 1/4πε0 into e upon x square, say yes or no, तो ये हो गया अपने पास q q not dw is equal to minus q q not into upon 4 pi epsilon not x
square. Yes or no? Clear ना? तो ये हमारे पास आ गया dw की value. ये लिखा है. Since e equals to 1 by 4 by epsilon naught into q upon x square. पहले का पढ़ा हुआ है. ठीक है ना? Now total work done. dw का क्या करेंगे? Integration. छोटा सा वर्गमूल है, बड़े वर्गमूल के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन. यहां भी इंटीग्रेशन. q q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस और 1 अपॉन x स्क्वायर dx. मैं भूल गया था dx लिखना. ये देखिए dx. यस और नो? तो ये dx हो गया. ये सब के सब बाहर. क्यों? कांस्टेंट है, इनकी कोई वही नहीं है. कहां से खिसका रहे हो? फाइनल वर्क डन इंफिनिटी से. कहां तक ले जा रहे हो? b पॉइंट तक. इंफिनिटी से बी पॉइंट तक का वर्क डन. सो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हां भूल गए एक चीज एक्स की वैल्यू. इंफिनिटी पे एक्स की वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी. और ये एक्स की वैल्यू वेरिएबल डिस्टेंस इंफिनिटी पे कितनी चली गई है? इंफिनिटी. और पॉइंट बी के लिए कितनी है एक्स? खसक के ये बेटा ये यहां से x नापी गई है तो इंफिनिटी तक तो कितनी चली गई है? इंफिनिटी. और अगर b तक बात करो तो पॉइंट b तक की डिस्टेंस कितनी है? r. आगे समझना. तो पॉइंट b तक ये डिस्टेंस है r. मतलब जो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वो इंफिनिटी से कितना करना पड़ेगा? r तक का. आया समझ में? तो लिमिट को अपन बाद में पुट कर देंगे, पहले इंटीग्रेशन कर ले. यहां लिख देते हैं इंफिनिटी टू r 1 upon x square का इंटीग्रेशन खूब किया है 11th क्लास में. x की पावर minus 2 dx फॉर्मूला x की पावर n plus 1 upon n plus 1 x की पावर minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 x की पावर minus 1 upon minus 1 मतलब minus 1 upon x minus 1 upon खुशखबरी minus से minus cancel. सबसे पहले आप पुट करो work done from infinity to b equals to q upon 4 by epsilon naught 1 upon r minus 1 upon infinity. 1 upon infinity equal to 0. 0 बन गया derivation. Work done from infinity to b equals to q by 4 by epsilon naught into 1 upon r. q naught था, भूल गए फिर से. q naught into 1 upon r. आगे समझ में? ये है work done. ये है Q0 चार्ज को लाने में किया गया कार्य है. किया गया कार्य Q0 चार्ज को लाने में किया गया बर्गर. हमें कितना लाना है? 1 यूनिट चार्ज. तो जब आप Q0 चार्ज को लाने में वर्णन किया है W, तो यूनिट चार्ज को लाने में किया होगा W अपॉन यही होगा पोटेंशियल. तो यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से B तक खसकाने में किया गया काम W इंफिनिटी से B तक खसकाया बटे कितना? Q0. तो ये है 1 upon q0 किसके लिए? इसके लिए. और इंफिनिटी से b तक का वर्ग है वो लिखा है q not upon 4 pi epsilon not into 1 upon r. q not से q not आ गया डेरिवेशन 1 by 4 pi epsilon not into q upon r. ये है इंफिनिटी से b तक का पोटेंशियल, जिसे आप डायरेक्टली कह सकते हैं b का पोटेंशियल, क्योंकि इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना होगा? 0. इसलिए इसका पोटेंशियल है b का. आई बात समझ में? तो इसको सॉल्व करा है, ये आ गई वैल्यू. सो b इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. तो चार्ज पॉइंट के लिए, किसके लिए? चार्ज पॉइंट के लिए. बेटा ये चार्ज पॉइंट का है. चार्ज पॉइंट का पोटेंशियल चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है. चार्ज पॉइंट का पोटेंशियल चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है. जितना चार्ज देंगे उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल बनेगा. समझ में आ गया पॉइंट चार्ज के लिए. और दूसरी बात, यदि हम इसका ग्राफ बनाए v और r का, चलो देखते हैं कितनी पढ़ाई कर ली. ये v है, ये r है. बताइए ग्राफ कैसा जाएगा? कैसा जाएगा? सीधा. हां देखिए जरा फार्मूला देखिए. v इज प्रोपोर्शनल टू r की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. अब बताइए ग्राफ कैसा जाएगा? मैं आपकी तरफ खड़े रहूं, अब मैं शायद बता पाऊंगा. ऐसा नहीं, ऐसा मतलब ये ग्राफ एक भी अगर बढ़ेगा तो आर बढ़ना. बेटा क्या बात है, कभी ये नहीं याद आते आपको? हाँ, क्या है ये? कौन है? वायल्स है ये.
तो बॉयल्स याद आते हैं, तो फिर ये क्या दिक्कत है, यानी अगर बॉयल्स लॉ ये रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है ना, ऐसे बोला था सर ऐसे। अब आप जब ऐसे बोलते तो आप हमें कंफ्यूज कर लेते हैं, ऐसे बोलते हैं हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे शैतान होते हैं, बोलते ऐसा ऐसा तो पकड़ लो सब आगे उसमें आपको ढूंढ लो कौन सा वाला है। तो पी से मस्ती प्रोपोर्शनल टू बी, चलिए तो ये इसमें लग गया मस्ती प्रोपोर्शनल टू। आगे सुन फिर से पूरा बता दे, बहुत अच्छे। चलिए देखिए सबसे पहले क्या किया हम, फिर से डायग्राम आपको बताते हैं। यहां पर हमारे पास सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो x डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लिया p, p पॉइंट पे रख दिया चार्ज q0 को, टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज पर लगा क्या फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये एमिट करेगा, इसका फोर्स कितना होगा f = qe, f = qe। अब ये हो गया फोर्स, इस फोर्स के इंपैक्ट में इसको dx डिस्टेंस तक पीछे घसीटा, घसीटा अपन क्यों घसीटा, क्योंकि यहां का ऑर्बिटल पता चल जाए तभी तो इतनी दूर से घसीट के आएंगे, तो इसको थोड़ा सा दूर तक अपन ने खिसकाया, तो इसका वर्गमूल कितना होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, तो इसका वर्गमूल होगा फोर्स f dx q not e into dx, समझ गया, वेक्टर फॉर्म से सॉल्व किया तो वर्गमूल इक्वल टू q dx cos 180, तो cos 180 की वैल्यू हो गई -1, cos 180 इक्वल टू -1, ये बचा q not e into dx, तो minus q not e dx। आया समझ में इतना, कहां पे बेटा ये पीछे ले गए, चलो देखो ये पॉइंट P है, इस पे चार्ज रखा है प्लस क्यू नॉट, ये बता बेटे मेरे को कि इस ये प्लस चार्ज है इसका फील्ड कहां लगेगा, आगे की तरफ की पीछे की तरफ, बिल्कुल सही बता दिया तुमने, ये आगे की तरफ फील्ड लगेगा, इस फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स कितना होता है f इक्वल टू qe, f इक्वल टू qe, तो जब यहां पे चार्ज q नॉट है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा q नॉट इनटू e, यस और नो। अब क्या है, हम छोटी सी डिस्टेंस लेके बैठे हैं ये dx, क्योंकि हमको पता करना है कि यहां से लेके यहां तक इसको लाने में वर्क डन कितना होगा, अंडरस्टूड, वर्क डन कितना होगा यहां से यहां तक लाने में, क्यों सर क्यों पता कर रहे हो आप यहां तक का वर्क डन, इसलिए सर पता कर रहे हैं क्योंकि सर को पूरा पता करना है, और फिजिक्स में ऐसे ही होता है, आप पहले छोटा सा पता करते हो फिर इंटीग्रेट करते हो तो आपको पूरे का पता चलता है। क्या आया, एस्केप वेलोसिटी में पहले पार्टिकल को थोड़ा सा फेंका था फिर इंटीग्रेट किया था, कहां से सरफेस से कहां तक बाहर तक r टू इंफिनिटी, याद आया एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन। तो ऐसे ही इसमें भी आपको पहले छोटा सा इसको खसकाओ, थोड़ा सा खसकाया कितना dx तक, तो फार्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, तो f कितना है q नॉट e, डिस्प्लेसमेंट कितना dx, cos थीटा की वैल्यू -1, तो हो गया माइनस q नॉट e dx, इतना क्लियर। अब बेटा e की वैल्यू रख दे कहां पर, यहां पर, वहां पर e की वैल्यू कितनी आएगी, पढ़ाया 1/4πε0 q / डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है x का स्क्वायर, ये रख दिया 1/4πε0 q / x स्क्वायर, सॉल्व करने पर आया 1/4πε0 q q नॉट / x स्क्वायर dx, ये देखो माइनस q नॉट dx, तो e की वैल्यू रख दी तो ये आ गया, आ गया। अब ये आ चुका है मेरे पास वर्क डन, क्या चुका है वर्क डन, कहां से कहां तक था, यहां पी से लेकर के क्यू तक का, मगर जनाब हमें घसकाना है इंफिनिटी से लेकर के आर तक, तो फाइनल इंटीग्रेशन वर्क डन का इंफिनिटी से लेकर के बी तक, इंफिनिटी से लेकर के बी तक, मगर एक्स की वैल्यू चेंज होगी इंफिनिटी से आर, क्योंकि ये जो एक्स आपका बड़ा घट रहा था इसको हमको लिमिट करना है, कहां लिमिट करना है इंफिनिटी से लेके आर तक, क्योंकि यहां तक लेकर के आना है तो पॉइंट को लेके आना इंफिनिटी टू आर, तो इंफिनिटी टू आर q q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, q q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है कांस्टेंट, फिर तो ये बनता ही होगा q q नॉट / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर 1 / x स्क्वायर अंदर, समझ गया 1 / x स्क्वायर अंदर, उसका इंटीग्रेशन किया -1 / x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो लिमिट पुट कर दी इंफिनिटी टू आर की, 1/r - 1/∞ होता है 0, q q नॉट / 4πε0 * 1/r, वर्क डन हमें निकालना है यूनिट वर्क डन यूनिट चार्ज, तो क्या करेंगे q नॉट का डिवाइड कर देंगे, ये q नॉट का किया डिवाइड, q नॉट कैंसिल, q / 4πε0 * 1/r, आया समझ में, पोटेंशियल एट पॉइंट b = 1/4πε0 * q / आगे समझ में।
क्लियर है, लोग नोट कर लीजिए। ये आप इसको भी नोट करिएगा क्योंकि यहाँ के बाद आपको डायरेक्टली एकदम से ये रिजल्ट दे दिया है तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो इसको आप अपने हिसाब स्वादानुसार जहाँ जहाँ पर जरूरत लगे आपको उसको आप उठाते जाइएगा। ओके, जैसे ये इंटीग्रेशन है, हो सकता है घर में जाने के बाद भूल जाए कि सर ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ था, कोशिश करिए कि जब मैं आपको डेरिवेशन कराता हूँ उसके बाद जब आप डेरिवेशन करो ना आप खुद से करो, ये कोशिश किया करो, उससे आपका यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगी, घर में भी आप ना भी पढ़ेंगे तो एक दिन तक तो आपको कम से कम याद रहेगा। Done.